भूतला नहीं किसी। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग, मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी जो हमारा फूल गोभी की पत्ते होता है ना, अभी तो सर्दी के सीजन में वो अच्छा लगता है। अब तक तो हमारे पास वो जो क्या बोले मेथी साग अब तक नहीं आई है। तो मेथी वगैरह जो मेथी बथुआ साग अब तो हमारे यहाँ जल्दी ही नहीं मिलता है। ये गांव एरिया का ना, गांव एरिया का होता है ना, इसीलिए जल्दी नहीं मिलता है। जनरली जनरल जो साग होता है वही वगैरह मिलता है, ले हम वो जो हमारा कोसला साग जो लाल साग वो मिलता है, वो तो मिलता है मूली। वेलकम बैक माय चैनल लीलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हम सब अच्छे हैं, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो आज मैं ब्लॉग बाहर में स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब वेलकम कर रही हूँ आप सबको। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, और जब मेरे चैनल को न्यू विजिट करते हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और घंटी दबाना मत भूलिए, घंटी दबा दो। आप लोग के पास मेरा न्यू न्यू वीडियो पहुंच जाएगा जब मैं अपलोड करूंगी। तो बने रहिए वीडियो पर, आगे क्या क्या करूंगी दिखाऊंगी। तो मूली का जो पत्ते होता है ना, मूली के साथ मिलता है वो वाला साग, मुझे तो बहुत पसंद आता है। जो मूली के पत्ते जो मूली की साग होता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये था जो हम हो गया था, मैं प्रेशर कुकर में ही दे दी थी, और जो पत्ते गोभी की साग, सॉरी फूल गोभी की जो पत्ते होता है ना, उसी की साग बना कर ही मैं पहले सीटी देती हूँ कुकर पर, और उसके बाद मैं उसको छौंक लगाई हूँ। ऐसे करने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके ऊपर तो जो उड़द दाल और चावल की जो उसको उड़द दाल चावल को फ्राई करके उसको ग्राइंड करके रखोगे वो डाल दोगे ना, और भी बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद आज जो हमारा फूलगोभी और आलू की सब्जी में पहले फ्राई नहीं कर रही थी, एकदम से मसाले को भून के ही आज बना रही हूँ। एक ही टाइप का नहीं बनाती हूँ, कभी कभार मैं बना लेती हूँ, पहले मसाले को भून के करती हूँ, नहीं तो कभी कभार ऐसे सेलो फ्राई करके ही करती हूँ, या डीप फ्राई ऐसे करती हूँ, और टाइप का चेंज करना भी चाहिए। तो ये मसाला तो होता है। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बात बताऊँगी। हमारा यहाँ ओडिशा की जो एक यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब मैं भी पहले देखती थी उनका यूट्यूब। जब हम अपने यूट्यूब चैनल मतलब जब स्टार्ट करे हैं, तो उनको मैं हेल्प मांगी। तो क्या हेल्प मांगी, तो वीडियो को कैसे शूट करते हैं, किस मतलब पेट्रियट या हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, मैं मेडिकल जा रही थी आज, हमारा जो मेडिकल में मैं कल गई थी ना, जो हेल्थ कार्ड के लिए कल मैं उसको आशा दीदी को देना पड़ता है, तो वो बोली नहीं, तो फिर से जाओ टिक मरा करो ऐसे बोली, तो मुझे जाना पड़ा, हो गया था, लेकिन वो बोली ना, इसीलिए मुझे मेडिकल फिर से जाना पड़ा, और वो ठीक हो उसको ठीक करवा के आ गई। तो देख लीजिए, मैं आई हूँ, तो हेल्थ कार्ड अकाउंट में करने ठीक हुआ थे। तो ये मैं लौट रही थी, देख लीजिए, तो वही वाला, तो उनके वीडियो देखिए, मैं बागान में आ गई। आज जो हमारा ये बीन्स का पौधा है ना, उसके ऊपर मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, तो थोड़ा अच्छा होगा, इसीलिए मैं फर्टिलाइज़र दे के उसको मैं खोल दूंगी, मतलब तो उसके अंदर जाएगा तो अच्छा होगा। तो वही बार मैं कहाँ थी, मैं तो भी बताती हूँ। तो बड़ा यूट्यूबर है हमारे यहाँ उड़ीसा की, तो उनका वीडियो हम पहले बहुत देखते थे, मतलब हमको पता भी नहीं था यूट्यूब में आने से क्या होता है क्या नहीं। अब तो यूट्यूब में हम आ गए हैं, मतलब हमको पता चल रहा है। तो जो यूट्यूब में पहले से है उनको होता है कैसे बेनिफिट मिलता है क्या नहीं क्या, तो हमको तो अभी पता चल रहा है क्या हो रहा है कैसे, वो सब हमको जो यूट्यूब चैनल खोले हैं उनको पता है। तो कोई बात नहीं। तो उनका मैं कल देखी थी, एक इंस्टा रील बनाई थी, तो
तो हमारा यहाँ लक्ष्मी माता की जो पूजा होता है 4 दिन, जो रील नहीं देखे हैं उनको मैं बताती हूँ। तो 4 दिन या 4 वीक, सॉरी 4 दिन नहीं, 4 वीक में 4 गुरुवार या 5 गुरुवार ऐसे होता है। तो ऐसे जैसे लग रहा था उनकी बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे वो जो पूजा कर कर के, तो जी उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी। तो आप उड़िया होकर ऐसे कैसे बोल रही हो जी, मतलब आप मन से पूजा करो माता जी को, मन से आप कुछ भी दो, कुछ भी दो माता जी ग्रहण करेंगे, खुश होंगे। तो पैसा हो गया समझकर आप इतना भी मतलब अहम भाव मत रखो, वो अच्छा नहीं है। कोई भी किसी का भी अहम भाव, माता आपको तो पता है माता लक्ष्मी जी जगह जो उनका, तो लक्ष्मी पुराण आपको पढ़ के पता चल गया होगा, आपको तो पता चला है। तो क्या हुआ ना, लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी जो ठाकुर है, जो भगवान जी है, उनको भी नहीं छोड़े हैं। तो इतना भी अहम भाव मत रखिएगा, वो ठीक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे जैसे कि माता जी को अपमान किए हैं उस टाइप का मुझे लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं बहुत, हम पूजा पाठ पर बहुत ही विश्वास करते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे क्यों आप कर रहे हो, तो आपको पास मतलब जितना भी है इतना भी मत करो जो कि माता जी रूठ जाएंगे। वैसे तो हम लोगों को तो हम जैसे तैसे हमारा तो ज़िंदगी चल रहा है, कोई बात नहीं, हम जितने भी है उतने में भी हम खुश है। लेकिन इतना भी माता जी का अपमान टाइप का मत कीजिए। तो बड़ा यूट्यूबर है उनका, मैं नाम तो बताना सोशल मीडिया जो वीडियो पर ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। तो वो तो इधर तो नहीं रहते हैं। तो क्या हुआ ना, वो जो ना बाहर रहते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उड़ीसा नहीं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो ये देखिए, हम जो मेरे बागान में, तो मैं फर्टिलाइजर दी के तो उसको खोल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, हम तो कूड़ा खींचा करे हैं। और ये इसके बाद ये साग था, साग में जो घास वगैरह था जो खराब वाला था, उसको हम दोनों मिलकर, बहू और मैं मिलकर ही हम क्लीन कर रहे थे। और ये था, मैं हॉस्पिटल से आ गई, आने के बाद हम दुकान का काम दुकान से भी आ गई, उसके बाद ही ये काम सब कर रही थी। वैसे तो आज घर मौसम ही थोड़ा जैसे कोहरा था। और गेहूं को तो मैं जो धोई थी आज पीसने के लिए भेज दी हूँ, तो देखते हैं कब आएगा। आज तो वो जिसके पास मैं भेजी ना, उन वो लोग नहीं थी, तो बोल रहे थे कल आएगा, तो देखते हैं कल आएगा तो अच्छा होगा। और रात को हम रोटी खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। उड़ीसा के लोग लगभग बहुत लोग, सब लोग 80% लोग दिन में भात ही खाते हैं, चावल खाते हैं, और रात को रोटी खाते हैं। तो ये घास को मैं क्यों उखाड़ती हूँ, ये घास हो गया ना, घास और कचरा वाला जैसा कि खराब वाला पौधा है वो है ना, इसीलिए साग बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, दब रहा था बहुत। तो हम दोनों मिलकर ही ऐसे बातें करते करते, कुछ भी काम करो तो टाइम पास भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, ऐसे काम भी इजीली ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हम बातें करते करते ही काम कर रहे थे। और थोड़ा बहुत धूप भी आ रहा था ना, तो चलिए या मेरे बागान का फूल भी देख लीजिए। ये देखिए मेरे बागान में गुलदारी बुरी का येलो कलर का है। तो अभी रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।